और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। 50 से ज्यादा परिवार यहां पर फंस गए हैं, ये जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम यहां पर रवाना हो गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो जमीन खिसकने से आपको बता दें कि रायगढ़ में लैंडस्लाइड हुआ है, 50 से ज्यादा परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आपको बता दें कि लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा परिवार यहां पर फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीमों को यहां पर रवाना किया गया है। किस तरीके से इन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, जल्द से जल्द सलामती के लिए इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ से, क्योंकि महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। विवेक हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने परिवार जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं, एनडीआरएफ की तरफ से कितनी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? मोनिका, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि रायगढ़ के खालापुर में ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे अभी जस्ट पहुंची है और एनडीआरएफ की टीम के मुताबिक उस लैंडस्लाइड में 50 से ज्यादा परिवार वाले उसमें फंसे हुए हैं। अभी हेड काउंट अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कितने लोग उस लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे जो मौजूद है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे लैंडस्लाइड में तकरीबन 80 से 90 लोग फंसे होने की उन्हें जानकारी मिली है। और मुंबई से एनडीआरएफ की 4 टीमें खालापुर के लिए निकल चुकी हैं। 2 टीमें अर्ली मॉर्निंग ली थी जो पहुंच गई वहां पर, 2 टीमें और निकली हैं मुंबई से जो कुछ ही घंटों में खालापुर पहुंच जाएंगी। अब कोशिश की जा रही है कि खालापुर में जो लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि आशंका जताई जा रही है कि 80 से 90 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। क्योंकि मोनिका आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में 48 घंटे से काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। रायगढ़ और रत्नागिरी में कल रेड अलर्ट था, पूरे दिन काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, अभी भी वहां पे बारिश हो रही है और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एनडीआरएफ की टीम को। वहां पर महाराष्ट्र सरकार के जो प्रशासन है वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंच रही है। तो दोनों सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज अपने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं, क्योंकि कल काफी ज्यादा अंधेरा था, बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब सुबह हो चुकी है और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें किसी भी हाल में सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बिल्कुल विवेक, जानकारी मिल पा रही है कि रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है महाराष्ट्र के कई इलाकों में। अभी फिलहाल किस तरीके का मौसम वहां पर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है और अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है रेस्क्यू करना लोगों को? बिल्कुल सही कहा मोनिका आपने। देखिए मौसम बहुत, जो वेदर कंडीशन है वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है किसी भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का जो खतरा होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक हिस्सा लैंडस्लाइड का जो चट्टान का गिरा है, दूसरा हिस्सा भी गिरने का काफी ज्यादा खतरा बना रहता है। इसलिए बारिश को देखते हुए और जो लोग अंदर फंसे हुए उसको देखते हुए प्रशासन बहुत ज्यादा उसमें अलर्ट है और कोशिश की जा रही है कि दोनों टीमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहां पर जल्द से जल्द पहुंचे और तमाम लोगों को रेस्क्यू करें।